नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज बायोस्कोप और मैं हूं आफताब आलम। जी हां, बिहार की राजधानी पटना के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के सामने खड़ा हूं और 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रामलला का दर्शन करेंगे और राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए जनता के बीच हम हैं और खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने हम इसलिए खड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा, एक कहें कि नरेंद्र मोदी का भी योगदान रहा है कि आज राम मंदिर जिस तरीके से निर्माण हो चुका और 22 जनवरी को देश को समर्पित किया जाएगा, इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी अहम रोल रहा है। हम बातचीत करेंगे, लोग से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में बहुत सारे लोग हमारे साथ शामिल होंगे। सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम अवरान। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र और आदर्शों विचारों पर इस अखंड भारतवर्ष की नींव रखी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने बच्चों के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संस्कारों से प्रभावित होते हुए उनके अंदर वो गुण, नैसर्गिक गुण डेवलप करना चाहता है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रामलला का भव्य मंदिर जो है वो भारत की पवित्र भूमि पर बन रहा है और इस देश में विभिन्न धर्म, विभिन्न पंथ, मजहब, संप्रदाय को मानने वाले जितने लोग हैं सभी अति प्रसन्नता के साथ इसका स्वागत कर रहे हैं। जितने भी कंस्ट्रक्टिव माइंड के लोग हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग भी आज इस दिशा में हमारे साथ खड़े हैं कि रामलला का मंदिर बने, देश का विकास हो और देश का प्रत्येक व्यक्ति जो कि अंतिम पायदान पे जो भी व्यक्ति खड़ा है उस अंत्योदय के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो संस्कार अपने कार्यकर्ताओं के भीतर भरे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं, उन विचारों से संपूर्ण भारत आह्लादित होगा और भारत का प्रत्येक नागरिक रामलला के संस्कारों पर आगे बढ़ते हुए देश को विश्व गुरु बनाने की भूमिका में आगे बढ़ेगा। तकरीबन 500 साल के बाद जो है कि राम मंदिर का जो है कि ज़मीन क्लियर हो पाया है, ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, थोड़ा पीछे जा कर के बात करूँगा कि इस देश पे हजारों बार सांस्कृतिक आक्रमण हुए, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, अफगान, हजारों बार आक्रमण हुए, परंतु इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इस देश ने अपने जो नैतिक मूल्य हैं उनको कभी नहीं खोया। इस देश में विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं, परंतु सभी अलग अलग धर्मों को मानने वाले जो भी लोग हैं, मैं सबकी बात करता हूँ, सभी जो भी कंस्ट्रक्टिव माइंड के लोग हैं सभी इस देश की धरती को माँ मानते हैं। पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है और उस पंच तत्वों की प्रधानता के साथ भारत का प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ने वाला है। तो जब हम इस धरती को माँ मानते हैं, इस धरती पर जन्मा हुआ किसी भी जाति, मजहब, पंथ, संप्रदाय का व्यक्ति है वो हमारा भाई बंधु है। मैं कुछ डिस्ट्रक्टिव लोगों की बात नहीं करूंगा जो जानबूझकर एक जाति, समाज, मजहब, पंथ को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, मैं उनकी बात नहीं करूंगा। ये राम की बात है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन आदर्शों पर लिखे गए ग्रंथ को जब आप पढ़ेंगे तो रामलला जब निकलते हैं, रामलला जब घर त्याग करके बाहर निकलते हैं और जंगल जाते हैं तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी वंचित है, उन सबको साथ लेकर, वंचितों को साथ लेकर उन्होंने सेना बनाई और वंचितों को साथ लेकर उन्होंने रावण जैसे जो दुराचारी का वध किया, ये दिखाता है कि अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति भी उतना ही महत्वपूर्ण है इस देश के लिए जितना कि सर्वोच्च शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति महत्वपूर्ण है। और इसी चीज़ को हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री संपूर्ण विश्व में घूम करके बताते हैं और सबके साथ, सबके विकास और सबके प्रयास की बात होती है। हम सिर्फ सबके साथ और विकास की बात नहीं करते हैं, प्रयास जब सबका रहेगा यानी कलेक्टिव जस्टिस की बात करते हैं और कलेक्टिव रूप से चीज़ों का
और विषय को आगे बढ़ाने के लिए जब हम काम करते हैं तो ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की उस विचारधारा को दिखाता है कि कैसे हम साधारण लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम गुंडे और मवालियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। आप बताइए क्या कितनी खुशी महसूस करते हैं? देखिए जो है कि राम मंदिर देश को समर्पित हो जाएगा, देश के प्रधानमंत्री देश को समर्पित करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए इस पर समस्त देशवासियों में खुशी है और खुश होना चाहिए, राष्ट्रवादियों में खुशी का लहर है। हम लोग डबल दिवाली मनाएंगे, एक दिवाली कुछ दिन के बाद होगा, एक दिवाली 22 जनवरी को मनाएंगे। पूरा देशवासी 22 जनवरी को, पूरा भारत रोशनी से रंग जाएगा और यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चंद्र जी का भव्य मंदिर का उस दिन शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने लगातार हिंदुत्व के लिए वहाँ झंडा गाड़ के आज वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और रामलला को स्थापित करने में उनका अहम योगदान है। इसका सुप्रीम कोर्ट जब सबूत मांगा था तो सबूत पेश करने में दिया कुमारी जो जयपुर की सांसद हैं महिला, उनका योगदान रहा और हम लोग तमाम इसमें लगे हुए थे। सरकार से मांग थी और शुरू से आंदोलन था कि भाई राम मंदिर देश में भारत में बनना चाहिए, बहुत बड़ी खुशी की बात है और इस पर तमाम देशवासी खुशी मना रहे हैं और आज से ही खुशी सेलिब्रेट हम लोग के मतलब अब विचारधारा में आ गया, तो ये बहुत खुशी की बात है। तमाम देशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण 22 जनवरी को होने जा रहा है, डबल दिवाली हम लोग खेलेंगे। कौन सा जो ट्रेन थी वहाँ के जो होटल्स हैं सारे बुक हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल बुक रहेगा, आप देख लीजिए कि अयोध्या का नज़ारा अभी से ही कुछ और है, 22 जनवरी का नज़ारा तो पूरे देश का क्या होगा समझने वाली बात है। तो ये बहुत बड़ा हिंदुओं के लिए एक मैसेज है देश में जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है और भगवान श्री राम के आदर्श पर हम लोग चलते आ रहे हैं और आगे भी चलेंगे। कांग्रेस की सरकार थी, एक सवाल आपसे, कांग्रेस की सरकार थी उस समय जो है कि देश के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव थे, उसके बाद भी जो है कि बहुत सारे जो काम रुक रहे थे राम मंदिर के, इसके बारे में कहना। देखिए वंशवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस जो हाथ की बात करती है और सबके साथ की बात करती है, वो हाथ नहीं वो पंजा है। उस पंजे ने अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति का गला दबाया, गला घोंटने का, देश के लोगों के सपनों को मारने का, देश के लोगों के सपनों का गला घोंटने का अगर किसी ने काम किया है, मध्यम परिवार के बच्चों का के सपनों का गला घोंटने का अगर किसी ने काम किया है तो कांग्रेस के उसी पंजे ने किया है। परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टी और राहुल गांधी जी जैसे लोगों को जबरदस्ती सत्ता पे थोप देने वाले जो लोग हैं ना, ऐसी कांग्रेस पार्टी जो है इसने देश का बेड़ा गर्क करने का काम किया है। असामाजिक तत्वों को हमेशा प्रश्रय देना, आपको मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि 2014 से पहले आपने देखा होगा कि देश के विभिन्न कोनों में बॉम्ब विस्फोट हुआ करते थे, आतंकी घटनाएं हुआ करती थी। उन आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? और 2014 के बाद आपने देखा होगा कि देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो आतंकी कहां कहां घूम रहे हैं, कहां फिरा रहे हैं, ये भी देखने की बात है। आतंकियों को पाकिस्तान जाना पड़ गया और जिन्होंने भी सर उठाया, आतंकी मानसिकता ने जब भी सर उठाया भारत में तो उसका फन कुचल दिया गया। परंतु कांग्रेस की मानसिकता कभी किसी आतंकी को समर्थन करती है, कभी किसी आतंकी को समर्थन करती है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, देश पर थोपे गए लोग, परिवारवाद को प्रश्रय देने वाले लोग, गुंडा तत्व को बढ़ावा देने वाले लोग, इन लोगों का पतन पूरे भारत में तय है। आप देखेंगे इनका अहंकार। 22 जनवरी का इंतजार आपको है? बिल्कुल, संपूर्ण देश को 22 जनवरी का इंतजार है। रामलला तो हमारे दिल में है, रामलला तो हमारे हृदय में विराजमान है। हम अपने अंदर हम पूर्ण नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा कि रामलला पर मेरे मित्र संदीप द्विवेदी की कविता के माध्यम से बोलूँगा, मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगी यदि राम सा संघर्ष हो। राम एक संघर्ष की कहानी है, श्री रामचंद्र जी एक संघर्ष हैं, जीवन आदर्श हैं, विचारों का हिस्सा हैं, संस्कारों से बढ़ के हैं। जगत जननी माँ सीता को जब वो ब्याह करके ले आए और उसके बाद जगत जननी माँ सीता को रावण के चंगुल से जब छुड़ा करके लेके आए, इस दोनों क्रम में
एक कोमल व्यक्तित्व से एक ऐसा राजकुमार, एक ऐसा राजा जिसने संपूर्ण भारत के प्रत्येक क्षेत्र को एकीकृत किया, ये राम का व्यक्तित्व को दर्शाता है। ये श्री रामचंद्र जी एक व्यक्ति नहीं, एक कहानी है जो आदिकाल तक, आने वाले भविष्य में भी जब हमारी नस्लें इस दुनिया में अगर रहेंगी तो उनके लिए भी अगर कोई प्रेरणा का स्रोत होगा तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ही होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। साफ है कि 22 जनवरी का इंतज़ार जो है कि देशवासियों को होगा, और हम अभी हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर चलेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो राम मंदिर है उसका उद्घाटन करेंगे, तो ऐसे में पूरे देश के जो खासकर हिंदू धर्म के लोग हैं उन्हें खास तौर पर इसका इंतज़ार है। और हम साफ तौर पर दिखा रहे हैं आपको अभी जो है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है कि नज़ारा है, और कुछ लोग हैं उनसे और जानने की समझने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ बायोस्कोप के जरिए लाइव आप देख रहे हैं। भैया एक मिनट रुकिए, 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर का निर्माण जो है उसका उद्घाटन करेंगे, देशवासियों को समर्पित करेंगे, क्या कितने खुश महसूस करते हैं? देखिए, बहुत बहुत ही हर्ष का विषय है, न केवल पटना वासियों के लिए, बिहार के लिए, बल्कि पूरे देश भर में जो सनातन में आस्था रखने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही हर्ष का, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से चिर प्रतीक्षित लोगों की आकांक्षा थी, लोगों की भावनाएं थी, और उन भावनाओं को पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो निश्चित तौर पर सारे लोग खुश हैं। तो क्या आप भी उसमें शामिल होने के लिए जाएंगे? जी बिल्कुल, अगर अवसर मिला तो निश्चित तौर पे जाना चाहेंगे, और प्रभु राम की कृपा अगर होगी तभी वहाँ पहुँच पाएंगे, हर कोई अपने चाहने से तो पहुँच नहीं सकता। 22 जनवरी को सारी ट्रेनें बुक है, सारी होटल्स अभी से बुक कर दिए गए हैं, तो ऐसे में क्या लगता है, मतलब क्या कहेंगे, एक बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट वक्त है उस वक्त के लिए? जी बिल्कुल, कह तो रहा हूँ कि पूरे देश नहीं विश्व भर के जो सनातनी हैं, जिनकी आस्था का और जिनके विश्वास के प्रतीक हैं श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनकी के मंदिर का जो एक लंबे समय से लोगों की आस्था का केंद्र था, तो वो जब हो रहा है तो पूरे विश्व भर के लोग जा रहे हैं वहाँ, न केवल देश भर के या बिहार के, पूरे विश्व भर के लोग जा रहे हैं, और बहुत खुशी की बात है, एक एक आम और आवाम हर व्यक्ति खुश। योगी आदित्य जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश को, उनके बारे में क्या कहेंगे, उनका रोल कैसा रहा इस मामले? देखिए, मैंने कहा ना कि जो भी सनातन में आस्था और विश्वास रखने वाले लोग हैं, हर व्यक्ति के दिल में ये था कि ये कब ये सुखद क्षण, कब ये दिन हम लोग देखेंगे, कब हम अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर को उसके भव्य रूप और आकार में देखेंगे, सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, और इसमें एक एक लोगों का जो जिस क्षमता और जिस कैपेसिटी और जिस जिम्मेदारी में है उनका वैसा कंट्रीब्यूशन रहा है। काफ़ी विरोध भी रहा इस मुकाम तक पहुंचने में, रामलला के मंदिर कोर्ट का मामला चला गया, उसके बाद कोर्ट ने क्लियर किया, उसके बाद शिलान्यास हुआ, अब उद्घाटन हो रहा है, इतना लंबा वक्त गुजरा। देखिए, जो न्यायिक प्रक्रिया है उस पर तो कुछ भी कहना उचित नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया है, उसका एक भारतवासी के नाते मैं भी पूरा सम्मान करता हूँ, और न्यायिक प्रक्रिया के बाद जो दूध का दूध और पानी का पानी था, जो होना था वो हुआ, और होने के बाद जो परिणाम है वो सबके सामने। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन, और भी बहुत कुछ, मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।